अस्सलाम वालेकुम। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इंडोर विंडो। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो 10 इंस्टॉल है जो कि प्रो वर्जन है, और सेकेंडली मैं इसके अंदर डोर बोर्ड के तौर पर वर्चुअल मशीन्स के अंदर मैं काली लिनक्स को जो है इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑफिशियल काली की वेबसाइट जैसे kali.org/downloads लगा लें। यहाँ पर आप जो मर्जी लगाना चाहें, सिंपली डाउनलोड्स लगाएंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप इसके ऊपर दो टाइप्स की जो हैं लाइनिंग्स आपको मिलेंगी, बेयर मेटल्स एंड वर्चुअल मशीन्स। तो आपने वर्चुअल के अंदर इसको डाउनलोड करना, सिंपली वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करें, नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको दो वर्जन नज़र आ रहे हैं, 32-bit एंड 64-bit। तो यहाँ पे आपने आपकी विंडो के हिसाब से करना है कौन सी विंडो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, 32-bit और 64-bit। इन माइन केस आई जस्ट वांट टू इंस्टॉल 64-bit, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया। नीचे दो ऑप्शन आपसे मांगे जा रहे हैं, एक वर्चुअल बॉक्स एक VM। तो मैं अगर अपने अंदाज देखूँ तो मेरे पास VM मशीन है, तो मैं VM एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू इंस्टॉल करूँगा, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप यहाँ पे देखेंगे VMware Workstation, तो ये उसकी ऑफिशियल VMware.com। और अगर आप वर्चुअल बॉक्स जो है वर्चुअल बॉक्स इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ओरेकल का जो है ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी वेबसाइट पे जाके आप वर्कस्टेशन प्रो जो है वो आप प्लेयर इजली जो है यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रो फॉर विंडोज़। तो हम बात कर रहे थे लाइनस की, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। लोग देखें मेरे पास कुछ जिप फाइल थी, मैंने एक्सट्रैक्ट किया, कुछ इस टाइप की फाइल मेरे सामने आ गई है। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये कुछ फाइल्स मेरे पास यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, अब इसके दो प्रोसेस हैं, ये बेसिकली प्री इंस्टॉल होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे VM को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे फाइल ओपन ये कर लेता हूँ। अगर ये भी नहीं आपने करना, ये इसके थ्रू आप फाइल नहीं ओपन, पहले आपको इस तरीके से कैसे ओपन करते हैं। ओपन करें इस फाइल को, आप जाएं अपने डाउनलोड्स के अंदर, कंप्रेस्ड के अंदर, और ये आपका VMware, और इसके अंदर सर ये वाली जो फाइल है ना, इसके साथ आइकन आप देख लें। इस फाइल को जैसे ही ओपन करोगे आपका लाइनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ इसमें इशू नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें आइकन सेम है, इस आइकन पर डबल क्लिक में करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना VMware सेलेक्ट करता हूँ। देखें मेरे पास ये अभी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, देखें लुक मेरे पास ये ऑलरेडी आ गया। मुझे चाहे यहाँ पे पावर ऑन करना है, पावर ऑन माय वर्चुअल मशीन, यस आई मूव्ड, मैं अपने डेटा को मूव कर ली सारा वहाँ पे। तो देखें ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। अब मैं कुछ आपको इसकी बेसिक सेटिंग जो है वो प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं इसको पहले फुल स्क्रीन पर कर लिया, अब ये फुल स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पर देखें मैं VM पे क्लिक करता हूँ, नीचे सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। इसके स्टार्ट होने तक मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी मेमोरी सेटिंग है, आप कितनी मेमोरी से लेना चाहते हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी रैंडम मेमोरी रख लें, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वेल फाइन। इसका प्रोसेसर आपका कितना प्रोसेसर है तो वो आप दे सकते हैं। हार्ड डिस्क जो आप जितनी अपनी स्पेस देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी CD वगैरह है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जब आप वायरलेस पर टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत जो है मैटर करेगी। नेट नेटवर्क अडाप्टर कौन से यूज़ करना है, नेट या ब्रिज आपने जो भी करना आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। USB 3.0 2.0 इस्तेमाल करना, साउंड कार्ड एंड डिस्प्ले जो भी आपने करना है आप इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर कुछ ऑप्शन आप लगा भी सकते हैं और उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद मजीद व्यू के अंदर आएंगे, एग्जिट फुल स्क्रीन, एक्सक्लूसिव मोड एंड उसके सारे मोड आ जाएंगे, टैब्स इसके अंदर आ जाएंगे, कितनी या विंडोज यूज़ कर रहे हैं, मजीद इसके अंदर काफ़ी कुछ है। मैं सिंपली इसका काली इसका यूजर नेम पासवर्ड होता है काली, ओके लॉग इन कर लेता हूँ। ये बेसिकली अपडेटेड वर्जन है जो कि मैं अभी ही डाउनलोड किया है, ओल्ड नहीं है। अपडेटेड वर्जन का देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या, ये देखिए साथ एक पिन का निशान, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि फुल जो है स्क्रीन पे चली गई है। अब यहाँ पे ऊपर एक CPU का बटन दे दिया, यहाँ पे आपका CPU आपके टास्क मैनेजर शो होगा, जिसके ऊपर आपका टास्क चल रहा होगा। काफ़ी स्मूथ भी है, पहले वाली लाइनिंग से पहले वाली हैंग ज़्यादा थी, ये हैंग नहीं होती। यहाँ पर आपका नेटवर्क अडाप्टर है, ये साउंड सिस्टम यहाँ पे आपका है, साउंड एंड माइक्रोफोन आप जो भी आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन आपका बटन है, बैटरी है, टाइम है, लॉक है एंड पावर बटन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चार तरह के टैब बने हुए, जैसे कि टास्क बार के ऊपर आपके होते हैं, सो इस तरह के चार टैब बने हुए हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3। आप टैब 1 के अंदर आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पर आपका टर्मिनल है, दो तरह का, एक पावर शेल है, एक रूट टर्मिनल है। रूट क्या होता है वो आपको बताऊँगा मैं सून। तो ये आपके पास आ गया,
ये अभी हमारे पास ये रूट है, ये अभी रूट टर्मिनल ओपन हो गया, पहले वाला रूट नहीं था। और अगर मैं इसको एग्जिट करूँ, ये देखें ये रूट से बाहर आ गया। ओके, तो अगर मैं इसका आई पी कॉन्फिग करूँ तो ये मेरे पास मेरे इस वर्चुअल का आई पी एड्रेस आ गया, जो कि मेरा इसके ऊपर रनिंग में है। इसका ये मेन्यू होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलग से टूल्स होते हैं सारे सारे। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर DNS के अलग, लाइव होस्ट के अलग, ऑस्टनेट के अलग, सारे सारे अलग अलग टूल्स हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर इसके अलग टूल्स हैं, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर इसके अलग टूल है, डेटाबेस असेसमेंट के अंदर इसके अलग टूल्स हैं, पासवर्ड अटैक्स के अंदर इसके अलग टूल्स हैं, वायरलेस रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सप्लॉइट्स, इसके सारे के सारे टूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करें। अब इसने पावर ऑफ करना तो आप पे क्लिक करें, जैसे आप शट डाउन भी कर सकते हैं, रिवर्ट भी कर सकते हैं, सस्पेंड, हाइब्रिड, स्लीप स्विच यूजर, जैसे मैं इसको शट डाउन कर दूंगा। इस तरीके से आप इसको शट डाउन भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक मेथड होता है किस तरीके से आप अपने जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने VM के अंदर आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये फाइल आपकी जनरेट होगी, यहाँ पे ये फाइल बनना जो है।